परदेश से एक एयरफोर्स से एक विंग कमांडर को पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान गया और वहां पर उसे पकड़ लिया गया और वहां पर उसे लोगों ने मारना चाहा, लेकिन वहां की बाकी फौज ने उसे बचाया, अपने पास रखा, उसे वापस भेज दिया गया। लेकिन कितने बार कितने विंग कमांडर, कितने फौजी, कितने मछुआरे, कितने लोग, कितने हमारे देश के फौजी गए लेकिन वापिस नहीं आए। ये व्यक्ति कैसे वापिस आया है? Do you know this thing? अगर आप मुझे सुन रहे हैं, let me tell you, people of God were praying for that wing commander. परमेश्वर के लोग उस wing commander के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मसीह लोग, पूरा भारत का मसीह उस wing commander के लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थनाओं ने ऐसा रिजल्ट लाया कि पाकिस्तान के बॉर्डर खोल गए, वो वापस हिंदुस्तान आ गया। यीशु मसीह से लेकर आया, यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थनाओं में बल है मेरे प्रियो। परमेश्वर मसीह प्यार करता है सरहद से पार वालों के लिए, सरहद से इधर वालों के लिए। परमेश्वर बाइबल लिखा है, देश देश के लोग यहोवा का धन्यवाद करें, देश देश के लोग यहोवा का धन्यवाद करें, हर व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करे। आज आपको परमेश्वर का आभारी होना है। आज परमेश्वर के लिए आपको अपना जीवन सौंपना है, पूरी तरह देना है। परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर, तू मुझसे बातें कर, मेरे कान खोल दे कि मैं सही सही से सुनने लगूं। हालेलुया, हालेलुया। केवल घुटनों का दर्द ठीक हो जाए फिर मैं भाग लूंगी यहां से, फिर नहीं आऊंगी कभी भी। ऐसा दे विश्वासी कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, कभी एंटर नहीं कर सकते। परमेश्वर करो तो मुझे चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, मुझे चंगा कर ना कर, मैं घटी में से होकर जाऊं तू मेरा परमेश्वर। आपको पता है दुख क्यों आता है? धर्मी के जीवन में दुख, अधर्मी के जीवन में, पापी के जीवन में दुख इसलिए आया क्योंकि उसने पाप करे। लेकिन धर्मी के जीवन में दुख क्यों आया? धर्मी के जीवन में दुख इसलिए आया कि वो और ज्यादा खरा हो जाए, और ज्यादा खरा हो जाए। आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर चलो ना, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके सारे काम सीधे कर दे। हर चीज में पवित्र आत्मा की इच्छा मांगा करो। अफ्रीका के अंदर एक आदमी को मुर्दा आदमी था, जिंदा हो गया। गैर मसीह की बात नहीं कर रहा, मसीह लोग शेयर पे शेयर कर रहे हैं, लोगों तक भेज रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो गया। परमेश्वर जिंदा कर सकता है, लेकिन उस बात को ये नहीं समझा कि वो सही में जिंदा हुआ है कि नहीं। मुर्दा व्यक्ति अपनी कोट की जेब में फोन लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों, पवित्र आत्मा की समझ रखो अपने अंदर, सुपर नेचुरल समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए।